नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। नए साल के साथ अब बिहार में भी वंदे भारत ट्रेन आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल के साथ ही ये ट्रेन जो है कटिहार के बारसोई जंक्शन पहुँचा, जहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। लोगों का एक जत्था जो है बारसोई जंक्शन पहुँचा ट्रेन को देखने के लिए। पहले आप उस वीडियो को देखें। थोड़ा झंडा ऊंचा आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोग बारसोई जंक्शन पहुंचे और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित है, भारी संख्या में युवा वहां पहुंचे जो कि सेल्फी लेने के लिए। इसी के साथ आपको इस ट्रेन के बारे में बता दें तो 107 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है इसमें सारी सुविधाओं से लैस है। ये ट्रेन वाईफाई के साथ तमाम सुविधा इसमें है, जिसको लेकर आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है फ्लाइट से कम नहीं है। इसमें तमाम सुविधाएं फ्लाइट जैसी दी जाती हैं और इसी को लेकर ये ट्रेन कल शाम बारसोई जंक्शन पहुंची, जहां 2 मिनट के लिए रुकी, जिसके बाद आपको बता दें कि इस ट्रेन का रूट जो है हावड़ा से NPG जलपाईगुड़ी तक दूरी तय करेगी, जिसके बीच ये 2 मिनट के लिए बारसोई जंक्शन पे भी स्टॉपेज दिया गया है। भारत के सबसे दुरंतम ट्रेन में शामिल है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बारसोई स्टेशन पहुँचने पर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि इस मौके पर स्थानीय सांसद जो है दुलाल चंद्र गोस्वामी और बलरामपुर के विधायक महबूब आलम भी ट्रेन का स्वागत करने बारसोई जंक्शन पहुंचे। उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लोगों के साथ काफ़ी लोग वहां पे पहुंचे हैं जो काफ़ी उत्साहित है इस ट्रेन को लेके। अब बिहार में भी ये ट्रेन चलेगी, जिसके बाद लोग काफ़ी खुश हैं। युवा जो है काफ़ी खुशी के साथ ट्रेन के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है सभी सुविधाओं से लैस है। इसमें तमाम सुविधा दी गई है जो कि फ्लाइट में दी जाती है, और इसके रफ्तार की क्या ही कहे। तो इस के रफ्तार में आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है 160 किलोमीटर की पर आवर के रफ्तार से चलती है, और ये ट्रेन काफ़ी ही आरामदायक और सुविधाजनक है। जिसके बाद बारसोई जंक्शन पहुंचने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। यहां तक कि सांसद से लेकर विधायक तक इस ट्रेन के स्वागत में बारसोई जंक्शन पहुँच गए, जिसके बाद सांसद और विधायक भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।